हेलो फ्रेंड्स, आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि आपने कभी सोचा था कि एक कैक्टस के प्लांट से प्लास्टिक बनाई जा सकती है, तो ये सब हुआ कैसे है वो उसके बारे में आज आपसे बात करूंगा कि इन चीज़ों के बारे में डेवलप कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें मिक्स की गई जिससे एक कैक्टस के प्लांट से एक प्लास्टिक डिजाइन किया गया है। तो ये सब जो किया है काम वो किया है मेक्सिको के साइंटिस्ट ने, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया है। उन्होंने कैक्टस की जो लीव है उससे प्लास्टिक बनाई है जो कि एक नॉन टॉक्सिक होगी और बायोडिग्रेडेबल होगी। अब ये सब हुआ कैसे? जो कैक्टस का जो पल्प जो होता है उससे जूस ऑब्टेन किया गया, उससे जूस निकाला गया। उसके बाद जो जूस है उसको अलग अलग एडिटिव जो होते हैं उसके साथ मिक्स किया गया, उनको और ट्राई एक्सपेरिमेंट किया गया कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, और जो एडिटिव्स थे वो भी नॉन टॉक्सिक लिए गए ताकि जो प्रोडक्ट बन सके वो भी नॉन टॉक्सिक बन सके। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट था उसे स्ट्रेच किया गया। क्यों किया गया स्ट्रेच? ताकि स्ट्रेच करके इसको शीट में कन्वर्ट किया जा सके और इसको फिर अलग तरीके से फोल्ड किया जा सके। जब इसको शीट में कन्वर्ट किया गया तो उसके बाद इसमें कलर पिगमेंट्स डाले ताकि जितना भी मटेरियल बने के प्रोडक्ट बने वो अलग अलग कलर्स में बने, अलग अलग पिगमेंट्स में बने। जब ये कलर पिगमेंट बन गया तो इसको फोल्ड कर दिया गया ताकि ये जो प्लास्टिक तैयार हुआ है उसको अलग अलग वेराइटीज में, अलग अलग शेप और साइज में कन्वर्ट किया जा सके। इसलिए जो मटेरियल था उसको फोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये जो मटेरियल है ये कौन सा? ये है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब ये बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है वो होता क्या है? ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि नेचुरल प्लांट से मिलकर बने होते हैं। कॉर्न ऑयल हो गया, या ऑरेंज पील्स हो गई, स्टार्च हो गया, या प्लांट्स हो गए, इनसे मिलकर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो कि नेचर में काफ़ी अच्छे से डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर मैं इसी जो प्रोडक्ट बनाए प्लास्टिक जो बनाए उसकी बात करूं तो जब ये इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जब ये सॉइल के अंदर जाते हैं तो मेटेबोलाइज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जब इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है प्लास्टिक का वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है जिससे काफ़ी जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, जिससे ये साबित करता है कि कितना इको फ्रेंडली है। तो यही सारी चीज़ें जो बताती हैं कि ये कितना बायोडिग्रेडेबल है और कितना नॉन टॉक्सिक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वेंशन हैं जो कि अब इंडिया में और अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग लेवल पर हो रहे हैं, जिससे बता रही है कि कैसे हम जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और मटेरियल बना सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से हमारे जो पूरा इन्वायरमेंट है उसको सेव कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर होती है बहुत ही अच्छा होगा हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। और ये जो प्लास्टिक है ये बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है, जितना भी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, अब आज हमारा पूरी दुनिया में पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है तो उसके लिए बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, और मैंने जो चीज़ें बताने की कोशिश की कैसे एक कैक्टस के लीव से एक प्लास्टिक को डिज़ाइन किया गया है जो कि काफ़ी नॉन टॉक्सिक होगी और बायोडिग्रेडेबल होगी। तो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।